जिनका नहीं हुआ है। 17 में लिखा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का टॉर्क निकालना है ना, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द पॉइंट थ्रू वेयर एक्सिस विल पास, एंड कब निकालना है, वेयर इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, सो एट हाईएस्ट पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज हियर एंड द ग्रेविटी इज लाइक दिस, व्हाट विल बी टॉर्क, टॉर्क इज एफ, एफ का वैल्यू है कितना, एम जी, एंड आर परपेंडिकुलर मीन्स ये डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर, एफ का वैल्यू हो गया एम जी, एंड आर परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, हाफ ऑफ द रेंज, तो हो जाएगा एम जी बाई टू, एंड रेंज इज यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है 18 में, ए पेंडुलम इज पुश्ड साइड बाय एन एंगल थीटा हुज वेट इज डब्ल्यू, लेंथ इज एल, तो अगर हम टॉर्क लिखे डब्ल्यू का, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो डब्ल्यू ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर जो आर आएगा ये होगा, दिस इज आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ, एल का साइन थीटा नहीं होगा, विल इट बी एल साइन थीटा आर परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर डब्ल्यू और डब्ल्यू एल साइन थीटा, दिस इज द आंसर, ठीक है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन सेज व्हेन ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, अब देखो किस कॉन्टेक्स्ट में, डायग्राम भी दिया हुआ है, एक इस तरह का कुछ नट दिया हुआ है, इसके ऊपर एक रिंच लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, फोर्स एफ बोल रहा है ऐसे, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर एंड हियर इट इज 8 सेंटीमीटर एंड ए फोर्स 6 न्यूटन शोन हियर एट 30 डिग्री, ओके, क्वेश्चन इज व्हेन ए फोर्स 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट 30 डिग्री टू द रेंच एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, दिस वन फ्रॉम द नट इट इज जस्ट एबल टू लूजन द नट, ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो टू लूज द नट वी नीड टू अप्लाई सम मिनिमम टॉर्क बिकॉज नट इज टाइट ऑन द बोल्ट, सो वी नीड टू अप्लाई सम मिनिमम टॉर्क ऑन द नट, only then it will get loosened. So what we can find is the torque minimum required to loosen the nut. Okay? And that value will be how much? Force is given and the distance is also given. So R is given and you can write the perpendicular component of F. The component of F perpendicular to this R. You can write this. ठीक है, कितना हो जाएगा, आर इज 8 सेंटीमीटर एंड एफ इज लाइक दिस, बट एफ परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच, 6 साइन 30, एफ परपेंडिकुलर विल बी 6 साइन 30, सो यू कैन राइट 8 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू हाफ न्यूटन, सेंटीमीटर न्यूटन, ठीक है, now question is what force F would be sufficient to loosen it if it acts perpendicular to wrench at 16 centimeter from the nut, are you getting, here force is acting at this point at a distance 16 centimeter, ठीक है, and perpendicular, तो वो जो torque आएगा कितना होगा, F at this distance is 16, they are perpendicular, they are already perpendicular, ठीक है,
this should be equal to this. So 16F should be equal to 24 centimeter meter. So F is 1.5 meter. ठीक है 1.5 meter. देखो first we have written the we need some minimum torque to loosen the nut. ठीक है क्योंकि वो tight है ना तो उस minimum torque चाहिए होगा. So that torque can be calculated by this R and F perpendicular component. ठीक है now the same nut has to be opened by applying force at this point and in this direction perpendicular to this wrench. तो वो torque भी इतना ही आना चाहिए तभी खुलेगा ना. So that torque can be written as force into distance because these two are already perpendicular. So we can directly write F into R. F into R distance is 16. These two should be equal. So equate it and solve it. ठीक है. Solve next question. देखो 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है. बात नहीं ध्यान दो सामने 20 किनका नहीं हुआ. देखो पॉइंट ओ इज गिवन. ठीक है एंड वी हैव पॉइंट हेयर. ठीक है यहां पर एक फोर्स लग रहा है. दैट फोर्स इज हाउ मच 20 न्यूटन एट एंगल 150 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. ठीक है एक दूसरा फोर्स है इस तरफ 5 न्यूटन 3 सेंटीमीटर. फिफ्टीन न्यूटन एट 37 डिग्री एंड 4 सेंटीमीटर 10 न्यूटन. ठीक है वी हैव टू फाइंड द टॉर्क. देखो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहां से ऑन है ये. देखो यहां से स्टार्ट कर. द फोर्स इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फोर्स इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो व्हाट विल बी टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स 5 न्यूटन. Zero. So torque due to this one will be zero. Now, 15 newton. बात कौन कर रहा है? 15 newton. At what distance? ये distance कितना दिया हुआ है? 6 centimeter. So, 6 centimeter का sine 37 करें. Then we will get this perpendicular. So we will do 6 sin 37 and what force 15 newton. So this is torque 2. Kitna ho jayega 6 sin 37 is 3 by 5 into 15. Kitna ho jayega 54 newton meter. And direction clockwise or anti-clockwise. ऐसे घुमा रहा है. ठीक है ऐसे लगेगा किस तरह घुमाएगा. एंटी क्लॉक वाइज क्या सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट टॉर्क 3 4 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस. 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस व्हाट फोर्स 10 न्यूटन एंड दे आर एट 90 डिग्री. So 10 newton into 4 centimeter 40 newton centimeter. Direction clockwise. ठीक है then tau 4 ऐसे लग रहा है force. ठीक है तो component of this force along the perpendicular direction इस तरफ कितना होगा वो निकालना.
This is 150 degree. So this extra will be how much? 160 minus 90. So this angle is 60. Or this angle is 60. So component of this force perpendicular to 4 cm will be how much? Cos 60. So jayega 20 cos 60 along this direction. And into 4 cm. 60 degree yahan par aaya, total 150 tha, 90 subtract karke 60 aaya. Kitna aa jayega? 20 cos 60 is 1 by 2, theek hai? And 4. So 40 newton centimeter. In which direction? This is 150. ये 90 हो गया, ये extra कितना बचा? 150 minus 90 हुआ ना? ये सामने सामने का angle. ये किस direction में है? Anti-clockwise. So if you add these three, you will get 54 plus 40 minus 40 newton centimeter. So 54 newton centimeter or 0.54 newton meter. ठीक है, so this is the way you have to find. समझ में आया? Okay, 21 करोगे अभी. देखो, a cubical block of mass m HA slides down a rough inclined plane of inclination theta. A cubical block of side A slides down on the incline, mass m. Find the torque of normal force acting on the block about its center. Find the torque of normal force acting on the block about its center. क्या लिखा? Smooth लिखा ना? Rough inclined plane. ठीक है? Slides down on a rough inclined plane. Uniform speed लिखा है. देखो, what we have to find? Torque of normal force. Torque of normal force we have to find. देखो इसमें ध्यान देने का क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या point है note करने का. First thing we have to note is uniform speed. Uniform speed means net force on this block is what? Zero. What are the different forces acting? Mg, normal, and friction. There are three forces acting. ठीक है? अब देखते हैं. Total force zero है. It means normal तो automatic balance होता है. Friction is how much? Is it mg sin theta? Friction will be how much? Mg sin theta. And perpendicular direction of forces balanced है. ये हो गया. Okay. Next. We have to find torque, so we will consider the rotation thing. Okay. Object is rotating or not? It is not rotating. So net torque will be zero. Okay. Net torque will be zero. If net torque is zero, to kisi bhi point, maano center ke bottom mein torque likhte hain sare forces mein. Kya kya hoga dekho? Torque due to normal plus torque due to friction and torque due to mg. All three will be summing, after summing they should be zero. Mg का torque कितना होगा? देखो ये torque हमने लिखा है about center of mass. इसमें लिखा center of mass about निकालना, उसी के about torque लिखे हैं. About center of cube. ठीक है? Mg का torque कितना होगा? Mg will act at the center itself. Mg का जो overall location दिखाता है, कहाँ पर act करता है? Center पर ही act करता है ना? तो center पर act कर रहा है,
तो अगर एक एक्सिस पर खुद फोर्स एक लग रहा है तो कोई टॉर्क होगा उसका. इफ ए फोर्स इज एक्टिंग एट द एक्सिस इटसेल्फ देन इट विल प्रोड्यूस जीरो टॉर्क. सिंस mg इज एक्टिंग एट द एक्सिस इटसेल्फ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज एट एक्सिस इटसेल्फ देन इट विल बी टॉर्क विल बी जीरो. इट्स टॉर्क इज जीरो एंड नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रिक्शन. What is value of friction? mg sin theta. And at what distance this friction is acting from this center? a by 2. This friction is acting at what distance? Friction to yahi lagega na? At this place. So this distance will be how much? a by 2. So this is the answer. मैग्नीट्यूड अगर केवल लिखे तो ये हो जाएगा. ओके ये कितना ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ हाँ सेंटर से निकालना है ना. ओके वन कंक्लूजन वी विल ट्राई टू राइट फ्रॉम दिस. एक कंक्लूजन इसे लिखेंगे. नाउ कंसीडर द नॉर्मल फोर्स. ए ब्लॉक इज देयर. नॉर्मल फोर्स इज distributed throughout the surface of object. Is it there? Normal force is distributed throughout the surface, not located at one point. And if we have to find the torque about the central point, in this case the total torque will be what? This side, uniform distribution, total torque will be zero. If we assume this kind of distribution of normal force, torque from this side and torque from this side will cancel. Net torque due to normal will be zero. Lekin we are seeing that normal torque is not zero. So dekho kya ho? Friction ke ulta hai. Friction ka torque aise hai, to normal ka torque aise hoga. Yani ki this side forces will be larger in magnitude and this side forces will be smaller. So the normal force is distributed like this. On this side we will have smaller forces and on this side we will have larger forces. यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेगा सरफेस और यहाँ पर जोर से प्रेस करेगा. ठीक है तो ये चीज होता है नॉर्मल फोर्स के साथ. इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ पर होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा बट ऑन इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल फोर्सेस नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यू कैन मेक दिस डायग्राम एंड लिख लो. मेक दिस डायग्राम एंड लिखो. हैं माइनस हटा हो तो हमने फ्रिक्शन से उल्टा लिखा इसलिए माइनस आया. वी हैव टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड. ये तो फ्रिक्शन के अब रिस्पेक्ट में माइनस है ना. फ्रिक्शन का डायरेक्शन को हमने इधर ले लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है माइनस प्लस. इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है मेक दिस डायग्राम एंड राइट दैट ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ऑन इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल फोर्स may not be uniformly distributed. Normal force may not be uniformly distributed.